नमस्कार मित्रों, मैं वैसे सर आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। त्रिकोणमिति का पार्ट थ्री वीडियो है, इसका पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं या तो आप वहाँ से जाकर लिंक पर देख सकते हैं। और ये पार्ट थ्री, उसके बाद पार्ट फोर वीडियो, ये चारों वीडियो आपका त्रिकोणमिति का बेस है, बेस जो कि अक्सर वीडियो में लोग स्किप कर देते हैं या कहे कि वहाँ पर नहीं दर्शाते हैं। मेरा मानना है कि त्रिकोणमिति सीखने से पहले कोणों का परिचय होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने कोणों का परिचय बताया पार्ट टू वीडियो में और पार्ट वन वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय बताया। इसलिए हम अभी निष्पत्तियां पर नहीं गए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ऐसा हम करेंगे, इस सब के बारे में जानने वाले हैं। पार्ट फाइव वीडियो से शुरू हो जाएगा पूरा पूरा ऑल टू ऑल। अभी फिलहाल के लिए पार्ट थ्री वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं ये आपका मुख्य रूप से त्रिकोणमिति कोण के बारे में होगा, त्रिकोणमिति में कोण कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बिना देर करते हुए अभी पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, एकदम मस्ती तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है बहुत मजा आने वाला है और मस्ती मस्ती में हम लोग मैथ सीख जाएंगे मस्ती सर के साथ। याद रखिएगा बहुत मजा आएगा। एक बात याद रखिए, सीरियस नहीं होना है, सीरियस मरीज होता है। सीरियस कौन होता है? मरीज होता है। सीरियस विद्यार्थी नहीं होता है। जुनून, सिर्फ जुनून जगाना है अंदर से, है ना। याद रखिएगा, रॉकेट पता होगा, रॉकेट इतना स्पीड में आगे क्यों जाता है? बहुत तेज चलता है, क्योंकि उसके पीछे आग लगा होता है ना। तो वो आग आपको भी लगाना होगा, अंदर में जुनून का आग लगाना होगा, उत्साह का आग लगाना होगा। कभी भी डरिए नहीं, जम की मेहनत करके आगे बढ़िए, है ना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं बिना देर करते हुए, विशेष बात बहुत बहुत चलिए आइए ध्यान देते हैं, है ना। तो जैसे कि मित्रों हम लोग देखे हैं, हम लोग बताए थे कि जो पार्ट वन पार्ट टू वीडियो है वैसे एकदम बेस है, त्रिकोणमिति का बेस है मुख्य रूप से। पार्ट वन में परिचय और पार्ट टू में कोण का, कोण के बारे में बताया गया था। इसमें हम थोड़ा सा दो कोण और, जैसे कि कोण के युग्म होता है, ये दोनों कोण जो लिखा गया है, इतना टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से। ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण, संपूरक कोण, त्रिकोणमितीय कोण और कोण का संकेत और त्रिकोणमिति, ध्यान दीजिएगा इधर से थोड़ा सा, है ना। पूरक कोण, संपूरक कोण, त्रिकोणमितीय कोण और कोण के संकेत और त्रिकोणमितीय कोण के चिन्ह और कोण की माप की पत्तियां, आपका ये ज्यामिति त्रिकोणमिति दोनों यूज होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हम लोग बहुत 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 मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बैक वीडियो में जो वीडियो था आपका कौन सा पार्ट जो हम देखे थे पार्ट टू वीडियो में, उसमें आपको बता दिया गया था, है ना। अगर देख लीजिएगा तो और अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया बात होगा। बिकॉज यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं इसके आगे चलने वाले हैं ना, इसके आगे यहाँ पर हम लोग यानी कि बताए थे पूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। अब हम लोग चलेंगे उसके थोड़ा सा आगे, मुख्य रूप से दो कोण को बताते हैं यहाँ पर, पूरक कोण और संपूरक कोण। इधर चर्चा करने के बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय कोण। आज पढ़ने का पर्पज क्या है? इस वीडियो का पर्पज है त्रिकोणमितीय कोण, है ना। इस वीडियो का पर्पज है त्रिकोणमितीय कोण, बहुत मजा आएगा ना। और बिंदास रहे, डरना नहीं है, क्योंकि ये एकदम मस्ती सर का मस्ती तड़का मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, चलिए पूरक कोण ध्यान देखिए पढ़ते हैं, है ना, आइए। ठीक है, पूरक कोण, पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों हमने जैसे कि पीछे भी बता दिए थे, अभी जस्ट लिखे थे हम कि कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, पीछे जाकर आप बैक वीडियो करके हल्का देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पहला टॉपिक था तुम्हारा आपका पूरक कोण था, दूसरा संपूरक कोण था, तीसरा आपका त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ना बहुत अच्छे, त्रिकोणमिति कोण के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आज मुख्य टॉपिक जो है त्रिकोणमिति कोण ही है, है ना, ये ठीक है, त्रिकोणमिति कोण आज का टॉपिक रहेगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, पिछले वीडियो में ये दो टॉपिक नहीं बताया गया था, इसको हम बता देते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण, बहुत मजा आएगा और भी कुछ कोण का चर्चा हम कर देंगे, ठीक है, जो कि बहुत आनंद आने वाला है। अब फिर हम टॉपिक चलेंगे अपना त्रिकोणमिति का, ठीक है, चलिए। तो हम जैसा कि बताया था आपको कि पूरक कोण जो है, आई संपूरक कोण जो है ना, पूरक कोण संपूरक कोण आपका कोण के युग्म है, कोण युग्म है, अर्थात कोण का जोड़ा, पेयर ऑफ एंगल है। देखिए क्या है पेयर ऑफ एंगल, क्या होता है कोण के युग्म, ठीक है, पेयर, पेयर, पेयर ऑफ एंगल, एंगल पेयर में आता है जोड़ा, क्या होता है जोड़ा, याद रखिएगा, है ना, युग। तो एंगल कोणों के युग में है, कोण कोणों, कोणों के युग्म, युग्म कौन है, कोणों के युग्म कौन है, तो पूरा संपूरक कोण और पूरक कोण, ये एक कोणों का युग्म है। युग्म इसमें हमेशा दो कोण रहता है, याद रखिएगा क्या रहता है, दो कोण, बहुत मजा आएगा, ये सीखते हैं। तो कैसे सर, कैसे पहचानेंगे, तो हम कहेंगे कि वैसे, ठीक है, वैसे दो कोणों, दो कोणों, वैसे दो कोणों, है ना, वैसे दो कोणों के युग्म, वैसे दो कोणों के युग्म, वैसे दो कोणों के युग्म जिनके योग कितना हो, जिनके योगफल, अरे बताइए फास्ट फॉरवर्ड, बताओ बताइए जल्दी से, जिनके योगफल 90 डिग्री या, और बताइएगा आप लोग 90 डिग्री जानते हैं ना, बहुत बढ़िया बात है, 90 डिग्री के बराबर हो, है ना। लेकिन और भी कुछ बताने वाले हम, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री या 100 ग्रेड
ये नहीं पता होगा, ये आपको नहीं पता था, सही बात है कि नहीं। लेकिन अभी जो पढ़ाने वाले हैं हम त्रिकोणमितीय कोण के बाद का टॉपिक, जो पीछे देख सकते हैं वो था आपका कोण का संकेत, उसके बाद था कोण का चिन्ह, उसके बाद था आपका त्रिकोणमितीय, सॉरी आपका था कोण माप की पत्तियां, कोण की माप की पत्तियां, उसमें आप सीख लीजिएगा, जान जाइए कि 100 ग्रेड होता क्या है। ठीक है, अभी जस्ट एक वीडियो में चलेगा, मजा आने वाला है। तो 90 डिग्री या 100 ग्रेड या पाई बाई टू रेडियन, पाई बाई टू रेडियन, रेडियन पाई बाई टू रेडियन, रेडियन याद रखिएगा क्या कहें। वैसा वैसे दो कोण के योग हो जिनके योगफल 90 डिग्री या 100 ग्रेड या पाई बाई टू रेडियन के बराबर हो, के बराबर हो, मुझे क्या कहिएगा जल्दी बोलिए, बराबर हो, हाँ उसे उसे हम लोग कहेंगे पूरक कोण, उसे क्या कहेंगे पूरक कोण। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको भी इसके हिसाब से चलोगे। डिग्री देने के लिए वो क्या करते हैं, छोटा सा एकदम छोटा सा जीरो देते हैं, बिंदु नहीं दिया जाता है, डिग्री देने के लिए बिंदु नहीं दिया जाता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वैसे दो कोण जिनके योग फल 90 डिग्री हो, ये याद रखो फिलहाल के लिए। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे पूरक पूरा तो वहाँ पर आपका 100 ग्रेड और पाई बाई टू क्या होता है बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझना है अगर दो कोण हो जैसे 40 डिग्री एक 50 डिग्री है ना, बहुत अच्छे है, कितना हो गया जोड़ करके, एग्जाम्पल बता रहे हो आपको कितना आगे जोड़ के 90 डिग्री ना, 90 डिग्री आ गया तो क्या हो गया आपका पूरा कोण हो जाएगा, बहुत अच्छे। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो तुम, है ना, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या चीज, 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया, ये आपका 90 हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, ये पूरा कोण हो जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बताइए कि एक पूरक कोण, पूरक कोण जल्दी बताइएगा, एक पूरक कोण 70 डिग्री है, 70 डिग्री है तो दूसरा, दूसरा बताइए तो दूसरा, दूसरा क्या होगा जल्दी कमेंट में बताइए, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा कमेंट में, दूसरा क्या होगा, क्या करिएगा घटाइएगा बाबू, है ना। जैसे क्या है यहाँ पर, अगर दिया हुआ नहीं रहता x, एक 40 से दूसरा पता करना है, क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री है ना, आ जाता 50 डिग्री, आया कि नहीं आया। इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको एक पूरक दिया रहे दूसरा निकालना हो तो 90 में घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरक कोण का योगफल 90 डिग्री होता है। चलिए हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं ना, देर की हुई, आइए पूरक कोण हम लोग सीखे ना, हम क्या करते हैं आते हैं संपूरक कोण की ओर, संपूरक कोण क्या कहेंगे। अच्छा एक बात और बताते हैं आपको कि ये जो था डिग्री के हिसाब से था, डिग्री के हिसाब से अभी पढ़े हम, डिग्री के हिसाब से आपका जो पूरक कोण ग्रेड के हिसाब से क्या होगा, पूरक कोण का परिभाषा ग्रेड के हिसाब से क्या होगा, दो कोण के जोड़ने के बाद 100 होना चाहिए, 100 ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, दो कोण को जोड़ने के बाद 100 हो जाता है, 100 ग्रेड डिग्री नहीं 100 ग्रेड हो जाता है तो वो पूरक कोण कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि एक है 70 ग्रेड और दूसरा है 30 ग्रेड, दोनों मिला के 100 ग्रेड, तो एक आपका पूरक कोण हो जाएगा, लेकिन ग्रेड में, है ना। अब ग्रेड क्या होता है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, टेंशन ना लें, बता दें आपको हम कि कोण के मापने की पद्धति हम चर्चा करेंगे, टेंशन ना लें, फिलहाल के लिए ये दोनों हम पढ़ाने वाले हैं, एकदम मजा आएगा, पूरा वीडियो देखें अंत तक तब मजा आएगा। ये क्या था सर, बीच में ना बोले, अभी आप इसको सीखें। पूरक कोण क्या कहेंगे, कोणों की ओर, वही प्रवेश परिभाषा रहेगा, है ना, वैसे दो कोणों की ओर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे समझ में आ गया कोई दिक्कत, ठीक है आगे बढ़ते हैं। वैसे दो कोणों के योग, है ना, जिनके योग ध्यान दीजिए कितना हो जाता है, जिनके योग 180 डिग्री या 180 डिग्री क्या 180 डिग्री या कहिए 200 ग्रेड या पाई, या कहिए पाई ऐसे लिखाता है पाई रेडियन के बराबर हो, है ना, उसे क्या कहेंगे, उसे संपूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पर ये आपको पता होगा ये, और ये पता नहीं होगा, ये बता दें आपको हम, पीछे एकदम अंत तक वीडियो देखिए, आप जान जाइएगा ग्रेड क्या होता है, रेडियन क्या होता है। ओके, एकदम याद रखिएगा, डिग्री के अलावे कोण को क्या बताइए जल्दी साहब, डिग्री के अलावे कोण को रेडियन, है ना, डिग्री ऐसे, डिग्री के अलावे कोण को ग्रेड और रेडियन को छोटकी सी से भी लिखा जाता है, ठीक है याद रखिएगा, डिग्री के अलावे कोण को ग्रेड और रेडियन से भी मापा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला हम, कोण को मापने के लिए आप जानते हैं डिग्री के अलावे कोण को ग्रेड और रेडियन से भी मापा जाता है, वो इस वीडियो में और पूरे के पूरा जानेंगे, एकदम मजा आएगा अंत में, ठीक है ना। चलिए ध्यान देते हैं, तो मित्रों क्या करेंगे हम लोग,
पहले देखते हैं कि वैसा वैसे तो कौन के युग्म, युग्म ने जोड़ा, युग्म ने जोड़ा, युग्म ने कहता है जोड़ा, वैसे तो कोणों के युग्म, कोणों के युग्म जिनके योगफल 80 180 या 200 ग्रेड, डिग्री में 180 और ग्रेड में 200 ग्रेड हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम पूरक नहीं संपूरक कहेंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। पूरक कोण का होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ध्यान दीजिएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दें एग्जाम्पल्स में, जैसे लिखे 120 डिग्री, ठीक है, और कितना जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से, 60, बहुत अच्छे 60 है ना, तो क्या जुड़िए कितना जाता है दोनों के 180 डिग्री, राइट, ये पूरक कोण है, ठीक है। इसी प्रकार से 99 डिग्री, तो अगला कोण क्या हो जाएगा, अगला कितना होगा, आप कुछ मत करो, अब 180 में घटा लो, समझ में आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक कितना बचा है यहाँ पर, हाँ 17 बचा है ना, 17 में 9 जाएगा, तो 9 8 17, ठीक है, तो 81 आपका एक्ट आ गया 81, अब जोड़ के देख लो है ना, 9 1 0 9 17 18, इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया डिग्री में। मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि अगर आपको एक दिया हो दूसरा निकालना हो, आप 180 में घटा लोगे संपूर्ण कोण निकल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो संपूर्ण कोण को खत्म करते हैं यहां से, और आपसे एक सवाल है, जैसे कि यहां पर सवाल हम किए थे पूरक कोण के लिए, संपूर्ण कोण के लिए सवाल है कि बताइए कि है ना 3 1 3 4 डिग्री का संपूरक संपूरक कोण क्या होगा, क्या होगा बताइए, एक क्वेश्चन रहा आपके लिए, ठीक है, चलिए कमेंट बताइएगा ध्यान। तो चलिए मित्रों अभी हमने देखा लक्ष्य संपूरक, ये पार्ट टू का ही भाग था, पार्ट टू का ही भाग था, हम लोग अब पार्ट 3 की बात करते हैं, है ना, पार्ट 3 में ना, ध्यान दीजिएगा पार्ट 3, तो पार्ट 3 में क्या करेंगे थोड़ा सा बताते हैं आपको, वैसे कि ये बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये कुछ कोण और भी हैं, जब दो रेखाएं काटता है एक कोण है, ये भी कोण के युग्म ही है, ये भी कोण का युग्म ही है, इसको भी थोड़ा जान लें, उसके बाद हम चलेंगे त्रिकोणमितीय कोण पर। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरेक रेखा काटती है, तिरेक माना होता है तिरछा, तिरछा तिरछी, ठीक है, तिरेक रेखा मतलब होता है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये क्या है आपका तिरेक रेखा है ना, त्रियक त्रिकछेदी, त्रिक त्रिक रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है, त्रिक छेदी रेखा, ये सो कहेंगे समांतर रेखा, इधर जो है ना L और M जो है समांतर है, ठीक है, L समांतर M है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, ये दिया हुआ L समांतर L दिया हुआ है, ये आपका त्रिक रेखा है, त्रिक रेखा मतलब क्या है P है, ठीक है, स्मॉल P, जो आपका कोण बना रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको इसमें बताने वाले हैं कि इसमें बहुत सारा बच्चा लोगों को पता नहीं होता है कि संपूरक कोण कौन है, सॉरी इसमें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कौन सा आपका करस्पॉन्डिंग यानी कि कौन सा कोण संगत कोण है, कौन सा एकांतर कोण है, कौन सा एकांतर कोण है ना, कौन सा बाह्य एकांतर कोण है, ये सब पता नहीं होता है, जैसे कि हम बताते हैं कौन कौन से कोण के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए तो मित्रों सबसे पहले हम क्या करेंगे हम लोग कि जो अभी हम फिगर बनाए थे कि दो समांतर रेखाओं समांतर समझ ना, दो समांतर ना क्या सेम दूरी, दो समांतर रेखाओं को जो एक रेखा काटती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, पैरेलल अर्थात समांतर, जो दो पैरेलल के टू पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स करेगा कोई भी ट्रांसवर्सल कर लेगा है ना, दो समांतर रेखा कोई काटेगा तो क्या आपका ट्रांसवर्सल तिरेक छेदी रेखा या तिरेक रेखा, ये हो गया समांतर। अगर इस सिचुएशन में काटता है तो वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लीजिए आपका 8 कोण बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कोणों में बहुत सारे युग्म होते हैं, टॉपिक होते हैं, कैसे कैसे कोण बनता है, इसमें चीज सुनने को आता है पहले संगत कोण, ये सब सब बराबर होता है, ठीक है, संगत कोण एकांतर कोण आपका बराबर होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और आपको बताते हैं, एक चीज समझ लीजिए वो हम लास्ट में बता देंगे, फिर बताने के बाद ध्यान दीजिएगा संगत कोण कौन होता है, तो पहले इसको उठाइए ए लाइनिंग को, इसे उठा करके इस पर डाल दीजिए, ठीक है, ए लाइन को उठाना है, एम वाला को उठा के एल पर रख दीजिए, अब आप इमेजिंग कीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कौन किसको ढक रहा है, इसको उठाना है इस पर डाल देना है, इसको उठाना है इस पर डालना है, तो बताइए एक पर चल जाएगा 5 जाएगा ना, और 2 पर जाएगा 6 ऐसे उठा के डाल देंगे, तो 3 पर जाएगा 7, 4 पर जाएगा 8, इस प्रकार से आपका 1 के संगत 5, 2 के संगत 6, 3 के संगत 7, 4 के संगत 8, संगत हो गया, क्लियर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका कौन 1 के संगत कौन जाएगा, आपका कौन 5, ठीक है, कौन 1 के संगत कौन 5, और कौन आपका 2 के संगत, जल्दी बोलिए कौन 2 के संगत, हाँ संगत कौन सो है, और संगत कौन समान होता है, याद रखिएगा संगत कौन क्या होता है, संगत कौन के युग्म, युग्म जो होते हैं समान होते हैं, समान मैंने बराबर होता है, ठीक है, जितना भी संगत कौन होगा ना, ये संगत हो रहा है, ये संगत हो रहा है, आपस में सब बराबर होगा, 3 का कौन हो रहा है 2 का हो रहा है 6, कौन 6, ध्यान दीजिए कौन 3 का कौन हो रहा है, 3 का कौन हो रहा है, 3 का हो रहा है 7, उठा के डालिए ना सर, देखिए 3 का 7, 3 को 7 ढकेगा, कौन किसको ढक रहा है, 3 का 7, कौन है कौन सा,
ये चार का आठ, ठीक है, कोण चार इक्वल टू कोण आठ, ये आपका पूरा संगत कोण है, याद रखिएगा संगत कोण समान, संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों कोणों के युग्म जो होता है वो क्या होता है समान, समान होते हैं, याद रखिएगा। उसी प्रकार से एकांतर कोण के भी, ठीक है ना, एकांतर अंतर कोण के भी समान होगा, एकांतर बाह्य कोण के भी समान होगा, ठीक है। इस प्रकार से एकांतर कोण होगा तो क्या करें अंतर, यहाँ पर कोण कोण ढूंढिए, अंतर कोण कौन कहलाएगा दो लाइनमा के अंदर वाला, एक दो देखिए तीन चार पांच छह, ये अंतर कोण हो गया, ठीक है, अंदर वाला कोण हो गया, अंदर वाला दो एक दो और सात आठ हो गया, बाहर में बाह्य कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल जो जहाँ पे हुए हैं ना, एक्सटीरियर एंगल, जो अंदर में हो इंटीरियर एंगल, आपको क्या कह रहा है इंटीरियर एंगल ढूंढने के लिए कर रहा है, इंटीरियर है ना, इंटीरियर इंटीरियर एंगल, लेकिन अल्टरनेट अल्टरनेट ना क्या कोना कोने उल्टा पुल्टा, तो इंटीरियर है कौन इतना तक कोना कोने है ना बराबर होता है, याद रखिएगा अल्टरनेट लेकिन एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तीन के एकांत छः और चार के एकांतर पाँच, इसलिए कोण तीन बराबर कोण छः और कोण चार बराबर कोण पाँच, क्या लिखेंगे एकांतर अंत कोण क्या होते हैं समान होते हैं, समान होते होते हैं, ये भी याद रखिए, चलिए टॉपिक यहाँ पर सेम टू सेम, सेम टू सेम वही है, एकदम सेम टू सेम वही है, क्या करें यहाँ पर, तो आपका जैसे कि देख रहे हैं वन टू, जैसे यहाँ पर हम क्या देखें तीन चार पाँच छः, तीन चार पाँच छः अंत अंत एक अंत था, अंत कौन था, तो एक अंतर ऐसे ऐसे हो गया है ना, उसी प्रकार से बाह्य कोण में देखेंगे, बाहर वाले में तो ये बाहर कोण है ना, बाह्य कोण यहाँ पर क्या कर रहे हैं बाह्य कोण अर्थात एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एक दो सात आठ, तो एक्सटीरियर एंगल में कैसे खोज रहा है अल्टरनेट उन्हें कोना कोनी, एक के आठ दो के सात बराबर होता है, ठीक है, तो कौन एक बराबर कौन आठ है ना, कौन एक के अल्टरनेट आठ होगा बराबर कौन है ना दो के बराबर कौन आपको हो जाएगा सात, इस प्रकार से आपको लिखना है कि ऐसा ही एकांतर एकांतर है ना बाह्य बाह्य कौन कौन क्या होते हैं समान, समान होते हैं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो एक फिर क्या है एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म, एक ही ओर के अंतः कोण, तो अंतः कोण कहाँ है ध्यान दे रहे ना ये ए देखिए इसके एक ही ओर में कौन कौन है तीन और पांच एक ही ओर में है, इधर क्या है ये देखिए इधर आपका एक ही ओर में कौन है यहाँ है ना चार और छः एक ही ओर ना है, तो एक ही और एक ही ओर में कौन है तो कौन चार फिर क्या है कौन छः, कौन छः है इधर क्या है कौन तीन है, कौन तीन है कौन पांच है, तो याद रखिएगा एक ही ओर के है ना क्या क्या लिखा है एक ही ओर के अंत कोण के युग्म है ना युग्म कोण के युग्म का योगफल का योग जो होता है योग पता है कितना होता है योग आपका 180 डिग्री के बराबर होता है अर्थात दो समकोण के बराबर होता है दो समकोण के यानी कि आप देख सकते हैं इसलिए ये दोनों को मिलाइएगा अपने आप 180 डिग्री बराबर होता है जो भी कोण रहेगा आप दोनों मिला के 180 के बराबर होता है ये दोनों 180 के बराबर होता है और बाह्य कोण के साथ वही मिला होगा तब क्या तीन और पांच कोण इसलिए क्या कहेंगे कौन थ्री प्लस कौन पांच बराबर 180 डिग्री कौन आपका है चार कौन चार प्लस कौन चार प्लस कौन छः बराबर 180 डिग्री इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा है ना एक ही तरह की एक ही साइड एक ही ओर के अंतर कोण के योगफल है ना बाहर नहीं जाना है बाहर अंदर नहीं ये क्या बोला एक ही ओर के अंतर कोण के योगफल 180 डिग्री होता है इसका 180 इसका 180 मान लिया जाए कि आपको यहाँ पर दिया है 40 डिग्री ये कितना होगा फटाक से बता दीजिए कितना होगा 140 ये 40 तो हो गया 180 हो गया ना 180 डिग्री इस प्रकार से निकाल सकते हो इसलिए बता दे रहे हैं सब थोड़ा सा काम देगा हम मानते हैं त्रिकोणमिति का भाग नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा जान लेना कोई दिक्कत नहीं है ना कौन जाने है जिसको जाने में थोड़ा सा क्या दिक्कत है आइए ये हो गया आपका ये दोनों मिला के अब यहाँ पर आइए एक ही ओर के बाहर कौन के योगफल बाहर कौन ये देखिए एक ही ओर में है ना एक ही ओर में दोनों मिला कितना 180 डिग्री वही देखिए इसमें कितना लिखे थे एक ही ओर के अंतर कौन के युग्म का योग 180 डिग्री इसका भी एक ही ओर के बाहर कौन के युग्म का योगफल ठीक है योग फल कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए 180 डिग्री यानी संपूरक होता है एक और सात कोण क्या लिखेंगे कोण एक प्लस कोण सात कोण लिखा हुआ कितना 180 डिग्री ठीक है इसी प्रकार से कोण दो प्लस कोण आठ इसका मिला कितना हो जाएगा 180 डिग्री समझ में आ गया होगा ये चीज क्लियर है ठीक है हम लोग चलते हैं आज का मेन टॉपिक पर सबसे पहले लेकिन ध्यान दीजिए तो मित्रों ये चीज समझ चुके होंगे आपको ये चीज पूरा क्लियर हो गया होगा चलिए बोलिए एक बार कस के ना मजा आया क्या मजा आया पूरा भरपूर मजा आया है ना चलिए जो लोग नहीं जानते हैं जो लोग एकदम नए नए हैं
एकदम सबसे पहले नंबर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेगा, एकदम मजा आएगा, एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे, लगेगा कि कॉन्सेप्ट हट के बता रहे हैं सर, लेकिन नहीं, एकदम मजा आने वाला है, एकदम हम जीरो से लेके चलते हैं ताकि वो बच्चा ही पढ़ पाए जिसको कुछ नहीं आता है, एकदम मजा आएगा, ठीक है। उसके लिए नहीं, तेज विद्यार्थियों के लिए भी है तो कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, मजा आने वाला। सबसे पहले टॉपिक हम चलेंगे, आज का मेन टॉपिक है ना क्या चीज, त्रिकोणमितीय कोण। आप चाहें तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए ठीक है। मित्रों है ना, जैसे कि हमने बताया उन्होंने का मेन टॉपिक यही था आपका कि त्रिकोणमितीय कोण है ना, जैसे कि ज्यामितीय कोण पूरा पूरा खत्म कर दिया, लेकिन आपको सबसे पहले हम एक सवाल देना चाहते हैं, देखते हैं कमेंट में कौन कौन बताते हैं पता है कि नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर देंगे, अवश्य देंगे, ठीक है। बेसिकली हम जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या पूछे थे क्या चीज कि 360 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होता है, 360 डिग्री होता है 400 ग्रेड होता है, 360 डिग्री बराबर 400 ग्रेड होता है, 360 डिग्री इक्वल टू 400 ग्रेड होता है, कैसे सर कैसे बताइए, मजा नहीं आया कैसे। तो हम कहेंगे कि आप जानते हैं एक वृत्त के अंदर जो होता है 360 डिग्री कोण बनता है ना, क्योंकि 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ है, 400 कोण हुआ ना। इसी प्रकार से फ्रांसीसी सिस्टम में, सिस्टम में कोण की मापने का एक तरीका है जिसको हम ग्रेड कहते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी लोग ग्रेड में मापता है, वो लोग क्या किया कि एक वृत्त के अंदर 400 ग्रेड माना, क्या माना 400 ग्रेड, कितना माना है 400 ग्रेड, और कहा एक समकोण आप कहते हैं 90 डिग्री तो कहता है 100 ग्रेड, छोटी जी मतलब ग्रेड, इसका मतलब जी मतलब क्या होता है GRADE ग्रेड, ठीक है ग्रेड, याद रखिएगा ठीक है, क्या हम बोले ठीक है ग्रेड, यहाँ लिख लेते थोड़ा सा GRADE ग्रेड है ना, किसका मतलब छोटी जी के मतलब, ठीक है ना ग्रेड होता है, यहाँ जो हम छोटी जी लिखे हैं छोटे से जी वो जी के मतलब है ग्रेड, तो याद रखिएगा फ्रांस में कोण को मापने का प्रचलित तरीका क्या है ग्रेड है ना, याद रखिएगा। तो वहां के लोग एक समकोण को 90 डिग्री नहीं, वो लोग कहते हैं 100 ग्रेड है ना, उसी प्रकार से उनके हिसाब से एक वृत्त के अंदर 100 ग्रेड इस प्रकार से हो गया 400 ग्रेड, हुआ कि नहीं हुआ, तो आप बताइए, आप बताइए सही बात है कि नहीं, तो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड, हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलिए एस और नो जवाब दीजिए ना, चलिए तो 270 डिग्री बराबर कितना हुआ 300 ग्रेड, अब 9 × 36 360 डिग्री और कितना हुआ 400 ग्रेड, चलिए तो आपका आंसर बिल्कुल लिखा हुआ सही, आप समझ चुके होंगे, एकदम वीडियो को लाइक कीजिए, दबा दिए कस एकदम घंटी बजते रहना चाहिए, एकदम बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन एकदम जारी रहेगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है, गर्दा गर्द वीडियो ऐसा आपका अपलोड होते रहेगा, धन्यवाद है ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।